नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ सोफ्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विषय, अलग टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। आज का हमारे यहाँ पे जो विषय है वो दो यूनिवर्सिटी है यूक्रेन की, जिसके बारे में कंपेरिजन हमने यहाँ पे किया हुआ है। वो दो यूनिवर्सिटी का नाम है इवानो फ्रैंकिस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये दो यूनिवर्सिटी का कंपेरिजन हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है और बेटर होने का रीज़न क्या है, तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब सबसे पहले ज़रूर से कर लें ताकि आने वाले वीडियो के भी आपको बेनिफिट मिल पाए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में, सबसे पहले अगर हम लोग इवानो की बात करेंगे तो इवानो फ्रैंकिस्क जो है वो करीबन 1945 को एस्टेब्लिश हुआ था, जबकि अगर उसके सामने हम लोग बुकोविनियन की बात करेंगे तो 1944 में एस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे इन दोनों का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड द यूनिवर्सिटी, सो देखिए इंडिया से अगर यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस की बात करते बेसिकली, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अगर इवानो की बात करेंगे तो करीबन 4,940 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द दिल्ली, एंड अगर बुकोविनियन की बात करेंगे तो करीबन 4,842 किलोमीटर होता है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो देखिए इवानो फ्रैंकिस्क के अंदर खुद का डोमेस्टिक एयरपोर्ट आया हुआ है, रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, एंड बस डेपो भी अवेलेबल है, एज वेल एज टैक्सी से भी वो कनेक्टेड है। जबकि बुकोविनियन की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई भी एयरपोर्ट नहीं है वहाँ पे, उसके लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो, अगर डोमेस्टिक की बात करेंगे तो इवानो फ्रैंकिस्क है, और इंटरनेशनल की बात करेंगे तो लवी नज़दीक में होता है। तो डिस्टेंस वाइज फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इवानो इट्स अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू द बुकोविनियन। अगर एक्रेडिटेशन के बारे में बात करेंगे तो इवानो फ्रैंकिस्क जो है उसके पास MCI का एक्रेडिटेशन है, उसके अलावा WHO से भी वो एक्रेडिटेड है, और उसके अलावा ECFMG एंड GMC से भी एक्रेडिटेड है, ताकि इंटरनेशनली भी आपको कोई दिक्कत आने के चांसेस नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे बुकोविनियन की बात करेंगे तो उसके पास भी MCA का एक्रेडिटेशन है, वैसे ही WHO का एक्रेडिटेशन भी, और ECFMG का भी एक्रेडिटेशन है, एज वेल एज GMC का भी है। तो इंटरनेशनली यहाँ पे भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट की अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो इवानो के अंदर करीबन 1000+ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे, जबकि अगर हम लोग बुकोविनियन की बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए तो बुकोविनियन के अंदर 1000+ इंटरनेशनल स्टूडेंट तो है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा क्राउडेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटेक है, इंटेक वहाँ पे 400+ स्टूडेंट का है, जबकि इवानो के अंदर 250+ स्टूडेंट का इंटेक रहता है। तो यहाँ पे क्राउड फैक्टर थोड़ा इफेक्ट कर जाता है यहाँ पे आपके लिए। उसके बाद अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इवानो फ्रैंकिस्क का जो पॉपुलेशन है वो करीबन 3.4 to 3.5 लाख के आसपास है, जबकि बुकोविनियन जो सिटी में आया हुआ है चनेपसी के अंदर उसका अगर आप बात करेंगे 2.62 to 2.75 के बीच में पॉपुलेशन है वहाँ पे। उसके बाद फैकल्टीज़ और डिपार्टमेंट्स की अगर बात करेंगे तो इवानो फ्रैंकिस्क के अंदर करीबन 48 डिपार्टमेंट्स है, जबकि बुकोविनियन के अंदर 52+ डिपार्टमेंट्स है। हॉस्पिटल की बात करेंगे तो इवानो फ्रैंकिस्क के अंदर करीबन जो एफिलेटेड हॉस्पिटल है वो करीबन 20+ है, बुकोविनियन की अगर बात करें तो यहाँ पे 25+ हॉस्पिटल है। और उसके बाद अगर टीचर की बात करेंगे तो इवानो के अंदर 600+ टीचर्स है, जबकि बुकोविनियन के अंदर भी करीबन 550 to 600 टीचर आप बोल सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ट्यूशन फीस के बारे में तो इवानो फ्रैंकिस्क का जो ट्यूशन फीस है वो करीबन $4,000 है, जबकि बुकोविनियन का जो ट्यूशन फीस है वो करीबन $3,900 है। और यहाँ पे सिमिलरली अगर हम लोग हॉस्टल के लिए बात करेंगे तो हॉस्टल चार्जेस इवानो फ्रैंकिस्क का जो गवर्नमेंट हॉस्टल है उसका $380 है, बुकोविनियन का $450 है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि लिविंग स्टैंडर्ड क्या है तो सी इवानो का लिविंग स्टैंडर्ड और बुकोविनियन का ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। अगर इंटरनेशनल रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो दोनों ही सिटी के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे FMG रिजल्ट की बात करेंगे। FMG रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो 2012 से 2015-14 के बीच का जो रिजल्ट है, जिसके अंदर इवानो का रिजल्ट था, तो इवानो का रिजल्ट था 20 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 3 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि 15% रिजल्ट था। जबकि बुकोविनियन की बात करेंगे तो 2012 से 15 के अंदर 277 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, जबकि 85 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, तो उसका रिजल्ट वहाँ पे आप देखेंगे तो करीबन 30.6% था। उसके सामने अगर 2015 से 18 की बात करेंगे
तो 15 से 18 के अंदर इवानो फ्रेंकी उसका जो रिजल्ट था वो करीबन 380 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, 131 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि जो रिज़ल्ट था वो 34.47% था। यहाँ पे अगर बुकोविनियन का रिज़ल्ट देखेंगे तो करीबन 105 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, 31 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि 29.52% रिज़ल्ट था यहाँ पे। उसके बाद 2019 की बात करेंगे तो करीबन इवानो के अंदर 264 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, 93 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि रिज़ल्ट जो था वो 35.28% था। वहाँ पे ही अगर बुकोविनियन की बात करेंगे तो 2019 के अंदर करीबन 500 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, 183 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे, यानी कि 36.60% रिज़ल्ट था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आती है, जो मेन ध्यान देने वाली, वो आती है स्टूडेंट का इंटेक कैपेसिटी। अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको बुकोविनियन के अंदर, जबकि इवानो में उसके सामने करीबन हाफ स्टूडेंट दिख रहे हैं। दूसरा एक खास पहलू यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन किया जाए तो बुकोविनियन इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी एंड इवानो फ्रेंकिवस्क इज़ द नेशनल यूनिवर्सिटी, जो यूक्रेन की जानी मानी नेशनल यूनिवर्सिटी उसमें से एक यूनिवर्सिटी है इवानो फ्रेंकिवस्क। अदरवाइज बाकी सब लेवल से अगर बात करेंगे तो दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन हम लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें एवं लाइक करना ना भूलें। उसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं एवं हमारा जो मेल आईडी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके ऊपर जाके आप मेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई चैट करने का इंटरेस्ट होता है कोई भी टॉपिक के ऊपर ये यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो हमारे चैट सेक्शन के ऊपर जाके चैट कर सकते हो। एज वेल एज सबसे बड़ी बात है जो गूगल फॉर्म है वो फिलअप करना ना भूलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो, क्योंकि गूगल फॉर्म इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर हम लोग दे पाएंगे। और फिर से मेरा निवेदन है अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।